नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे आपके अपने चैनल जिसका नाम है कंट्री ब्लॉग। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक अच्छा प्लॉट परचेज कर सकते हैं। मैंने कुछ छोटी छोटी बातें जो है डिस्कस की थी। आज मैं आपको कैसे एक प्लॉट लिया जाए और वो भी कम बजट में, उसके बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है और ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, आपने सुना होगा मुंडका विधानसभा, मुंडका और किराड़ी, इसके पास ये पड़ता है। दोस्तों लोकेशन बहुत अच्छी है, हालांकि कॉलोनी है, अनऑथोराइज कॉलोनी है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से लोकेशन बहुत अच्छी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, ये पहले से बना हुआ एक जो है बंगले के टाइप का, जो बंगला ही एक तरह समझिए, छोटा सा, ठीक है, कोठी टाइप का समझ सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो देखिए सड़क कितनी चौड़ी है, देखिए पहले ध्यान से, सड़क ये जो है 30 फुट की है, ठीक है। और सामने आप देखेंगे कि घर भी जो है कि अच्छे अच्छे बने, यहाँ बड़े बड़े प्लॉट हैं। और अगर मैं इधर घुमाऊँ तो इसी प्लॉटों में मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया है। ये सबसे छोटा प्लॉट है क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था, लेकिन कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक छोटा प्लॉट जो है बिक रहा है वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक प्लॉट लिया और ये मैंने बनाया है, ठीक है। लगभग इसका 99% काम पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, देखिए इधर भी अगर आप देखेंगे तो सामने आपको गली में देखिए अच्छे अच्छे घर बने हुए दिख रहे होंगे। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसी जो हमारी ये जगह है बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं आपकी इधर भी दिखाता हूँ, ये जो एरिया है काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर आपको जो प्लॉट दिखेंगे सारे बड़े बड़े प्लॉट हैं और अच्छे, यानी कि अच्छी तरह से बने हुए हैं और स्पेसियस है। रोड जो है कंजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल कॉलोनी की तरह जो होता है ना प्रॉपर कॉलोनी में, वैसा नहीं है। देखिए बड़े बड़े घर दिख रहे हैं ना आपको, प्लॉट भी बड़े बड़े दिखेंगे। देखिए हमारा जो प्लॉट है वो देखिए वो कितने फुट की गली पे है। मैंने ये प्लॉट लिया है, ये जो है 30 गज का मेरा प्लॉट है और ये जो गली है वो 25 फुट की है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे घनी बसावट भी हो जाती है तो रोड पर इतनी जगह है कि आप अपनी कार भी पार्किंग में लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है। तो इतने चौड़े रोड होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि हम जो है कि पार्किंग के लिए भी अपनी आगे की जो जगह है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड वाला भी कर सकता है, इस साइड वाला भी कर सकता है, फिर भी बीच में आपको कुछ जगह बच जाती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। तो आज की जो हमारी लोकेशन है वो है भाग्य विहार, मतलब ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भाग्य विहार में आता है और भाग्य विहार मुंडका विधानसभा में पड़ता है, ठीक है। इसके थोड़ी से हम आगे जाएंगे, अगल बगल जाएंगे तो हमें जो है कि अगर हम इसके थोड़ी से आगे पीछे जाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से आधा किलोमीटर चलते हैं तो क्षेत्र पड़ता है प्रवेश नगर, वो पड़ता है किराड़ी विधानसभा में। तो इधर मुंडका है, इधर किराड़ी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बस यही एक जो है जगह है जो इतनी अच्छी है, आसपास भी जगह हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इधर तो हमारे पीछे तो घर खैर बने ही हुए हैं, बढ़िया बढ़िया जो है सारे बड़े बड़े प्लॉट हैं, यहाँ आपको छोटे प्लॉट बहुत कम मिलेंगे। तो कैसे आप यहाँ पर एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको अगर जाननी है, समझनी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ बताई है कि किस हिसाब से रेट फिक्स होते हैं, कैसे जो है कि कम रेट में भी, कैसे मीडियम रेंज में, कैसे हम हाई रेंज में प्लॉट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आप जो है खुद डिसीजन लीजिए कि आपको ये प्लॉट परचेज करना चाहिए यहाँ पर या फिर अगल बगल में या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं कोई डीलर नहीं हूँ, आपको पहले बता दूँ, कोई डीलर नहीं हूँ, कोई कमीशन एजेंट नहीं हूँ। हाँ, फिर भी अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें तो मेरे पास जो है, मैं नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ और आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि थोड़ी जो है गली चौड़ी होगी तो आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, और गली पतली होगी तो बजट कम होगा। आइए दिखाता हूँ, पतली गली दिखाता हूँ आपको। जैसे तो चौड़ी चौड़ी गली है, तो यहाँ पर जो मैंने प्लॉट परचेज़ किया ये मैंने लिया था 30 के हिसाब से, यानी 30,000 रुपये गज के हिसाब से, ठीक है। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी लोकेशन तो इसलिए मैंने ले ही लिया। देखिए ये भी एक प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, अभी इसमें पानी लगा है बरसात का, लेकिन फिर भी रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी एक गली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10 फुट की गली है, ठीक है। इसके अंदर आपको अंदर जाके जो है कम रेट में, देखिए इस रोड पर 30,000 गज, मतलब 30,000 रुपये गज लिया मैंने, लेकिन अगर आप इस रोड पे जाएंगे तो आपको 25 का भी मिल सकता है, 23 का भी मिल सकता है, 24 का भी मिल सकता है, हो सके तो 20 या 22 का भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसी ही ये गली है 15 फुट की, इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक 15 फुट की गली है, पीछे एक 10 फुट की गली है, हमारे पीछे यहाँ पर जो गाय दिख रही है यहाँ पर भी 10 फुट की गली है। तो इन गलियों में जो है कि आपको कम रेट में प्लॉट मिल सकता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो डिटेल में समझनी है
वो आप वीडियो का एंड तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर आप देखिए इस पिक में, ये एक कच्ची कॉलोनी की पिक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर ना तो रोड की कंस्ट्रक्शन हुई है, बिल्कुल कच्ची सड़क है, देखिए बिल्कुल ही जो है कि पानी वानी भरा है, कीचड़ पानी है। और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है, वहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए रोड पर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक तो रोड नहीं बनी हुई है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है, और ड्रिंकिंग वाटर यानी जो पीने के पानी की व्यवस्था होती है उसकी भी लाइन यहाँ पर नहीं बिछी हुई है। ठीक है, तो ये प्योर कच्ची कॉलोनी है। और ये किस तरह की है, इसके कुछ मैं आपको पर्सपेक्टिव और दिखा दूं। इसकी देखिए, इसमें ऐसे प्लॉट कटे हुए हैं, लोगों ने खरीद रखे हैं, कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गली में, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, ओके, और भी कंस्ट्रक्शन कई हो रहे हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के जो है कि प्लॉट आपको कटे हुए मिल जाएंगे। ये प्लॉट देखिए बिल्कुल ही एक तरह से कच्चा है, यानी कि खेत में बनाए गए हैं, और क्योंकि रोड तो है नहीं। देखिए आगे जो है कि आपको दिखेगा भी यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें आगे जाके, ठीक है। और ये सारे के सारे एरिया जो है ऐसा एरिया है जो अप्रूव नहीं होगा। अप्रूव का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से तो अप्रूव वैसे कच्ची कॉलोनी होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ध्यान से देखेंगे ये रोड, देखिए इस रोड के बाद ही यहाँ पे ये कच्ची कॉलोनी निकाली गई है। ठीक है, इस रोड के बाद में ये कॉलोनी निकाली गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये एक रोड बना हुआ है, और आपको पता होगा कि ये रोड गवर्नमेंट के नक्शे में है तभी ये रोड बना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर बजट दिया है इस रोड के लिए तभी तो बनाई है। यहाँ पे नालियां भी हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी है, ठीक है, दोनों तरफ इधर की इन्होंने बंद कर दी नालियां, तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी है, यहाँ पे पक्के रोड हैं, और यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी हैं। ये देखिए ये भी एक पोल है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई एक नक्शा है जहां पर रजिस्टर्ड है कि हाँ भाई यहाँ पे एक रोड है गवर्नमेंट के नक्शे में। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ कॉलोनी में देखेंगे तो इस तरह की कॉलोनी में ये जो रोड है ये डीलरों का निकाला हुआ है, जिसका प्लॉट है उसने निकाली है, और खेत है उसने निकाली है, उसने इस तरफ प्लॉट बना दिया, इस तरफ प्लॉट बना दिया, इधर नाली निकाल दी। तो इस तरह के प्लॉट लेने में आपको कुछ फायदे भी हैं, कुछ घाटे भी हैं। सबसे पहला फायदा तो आप जानते ही हैं, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे बजट में, ठीक है। देखिए आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, आइए देखिए एक ये प्लॉट है। अब ये प्लॉट कैसी जगह है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे गलियां बनी हुई हैं, यहाँ पर दोनों तरफ नालियां भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर गली भी है, ये सही है, और ठीक ठाक गली है, बनी हुई है। इसकी ऊपर पिक देखें तो देखिए बसावट भी काफी अच्छी है। और अब इससे आपको एक चीज का फायदा हो जाता है कि अगर इतने सारे लोग यहाँ रह रहे हैं तो सिंपल सी बात है यहाँ सब कुछ सही होगा, ठीक है। और ऐसी कॉलोनी अगर बसी हो, देखिए ये पुराना घर दिख रहा है, इसका मतलब 15-20 साल या 10 साल से पुरानी, कम से कम 15-20 साल ही पुरानी होगी, ठीक है, कॉलोनी। तो इससे आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि ये जो कॉलोनी है अस्थाई है और टूटने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप जो है प्लॉट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सेफ आपका जो है कि सेफ जोन में आ जाता है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी भी है। यहाँ पे आपको देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन का पानी है, रोड है आपके पास, ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ हैं, और कहीं वाटर लॉगिंग भी नहीं है, पानी भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो प्लॉट है इसमें भी जो है कि आपको गली सही मिल रही है RCC की, ठीक है, रोड है यानी कॉन्क्रीट का रोड बना हुआ है, और इस देखिए प्लॉट की चौड़ाई भी ठीक है, ठीक है। और इसकी एक और फोटो देखते हैं, देखिए इसकी गली भी जो है ठीक है, यहाँ पर ये गली की चौड़ाई भी 18 फुट है। और ये मैं 18 फुट क्यों बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले में गली की चौड़ाई ज़्यादा है और इस वाले में गली की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लगभग 15 फुट की गली की चौड़ाई है, या 12 फुट मान लीजिए, ठीक है, इतने के आसपास होगी, 14 फुट लोग कहते 14 फुट 13 फुट इसी के आसपास होगी, ठीक है। उसके बाद ये आपने देखा और फिर यही है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये भी थोड़ा चौड़ा रोड है, ये लगभग 20 फुट की गली है, 25 फुट की गली है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। और ये जो चीज़ है देखिए, यहाँ पर आप अगर ये घर देखो तो काफ़ी नीचे तक चला गया, इसका मतलब ये कम से कम 20 से 25 साल पुरानी होगी कॉलोनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप अगर कोई प्लॉट लेते हो तो आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, आपको ड्रेनेज सिस्टम मिल जाएगा, यानी नालियाँ जाम नहीं होंगी, आपकी प्रॉपर नालियाँ हैं, पानी फ्लो हो रहा है अच्छी तरीके से, रोड जो है ठीक है, साफ सुथरे रोड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक के बाद एक हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं
इनकी प्रस्पेक्टिव पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह के फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बजट का, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है लोकेशन का, कि लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और तीसरा जो फैक्टर है वो है फैसिलिटीज का। फैसिलिटीज का मतलब है कि जहाँ भी आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं क्या वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये ठीक हैं। और चौथी जो बात आती है वो आती है प्लॉट पैरामीटर्स की। अब प्लॉट पैरामीटर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी डिटेल में सभी के करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बजट के बारे में। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं बजट की, तो मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तीन बजट ग्रुप बनाए हैं। सबसे पहला जो बजट है वो है 5 से 7 लाख का। कच्ची कॉलोनी में सामान्यतः नॉर्मली जो है 5 से 7 लाख में आपको 25 से 30 गज का प्लॉट लगभग मिल जाता है, 25 से 30 गज का प्लॉट लगभग मिल जाता है। और वो डिपेंड करता है कि गली कैसी है, लोकेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस इस रेंज में वेरी करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको 4-4.5 का भी प्लॉट मिल सकता है या 4 लाख का भी प्लॉट आपको मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस पोजीशन की, उस प्लॉट की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ओके। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है 8 से 15 लाख का। 8 से 15 लाख में आपको 40 से 50 गज का प्लॉट मिल सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसी गली में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है थोड़े वेरी करेंगे, ठीक है। 8 लाख का भी आपको प्लॉट मिल सकता है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपको 4 लाख का 25 गज का प्लॉट मिल सकता है, ठीक है, वैसे ही 8 लाख में आपको 50 गज का भी प्लॉट मिल सकता है, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं भी आपको बारी से बारी, मतलब बजट के, अभी तो मैं आपको बजट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे ये मिल सकते हैं प्लॉट और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, ओके। ऐसे ही अगर आपको 100 गज का प्लॉट परचेज करना है तो ये 20 से 40 लाख के बीच में आपको पड़ जाएंगे, ठीक है। 20 लाख में भी आ जाएगा आपका 100 गज का, और 40 लाख के आसपास भी आपका पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थी बात बजट की। आइए बात करते हैं लोकेशन की, क्योंकि जब आपके पास बजट हो जाता है तो उसके बाद आप सोचते हैं कि प्लॉट लिया कहाँ पे जाए। तो लोकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव ऑफ द प्लॉट परचेजिंग, ओके। तो लोकेशन जब आपको पता होगी कहाँ पे लेना है तो वहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक्चुअली जो आप जहाँ भी आप परचेज करना चाहते हो प्लॉट, वहाँ पे कम से कम वो सिटी के आउटसाइड हो। सिटी के आउटसाइड इसलिए क्योंकि बिल्कुल बीच में सिटी के तो आपको प्लॉट मिलेगा नहीं, और सिटी के बीचों बीच जो है अनऑथराइज कॉलोनी भी होती नहीं है, मुश्किल से एकाध कभी मिल गई लेकिन नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। झुग्गी झोपड़ियाँ हो सकती हैं जो कि गैर कानूनी होती है और आए दिन उन पर बुलडोजर चलते रहते हैं। तो आउटसाइड सिटी हो, यानी कि शहर के पास हो बिल्कुल, जब आप जो है शहर के अंदर आधे घंटे एक घंटे में अप डाउन कर सकें, ठीक है। तो आपको ये कॉस्ट जो होगी वो कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा, नियर रेलवे मेट्रो, यानी या तो रेलवे हो वहाँ पर, कम से कम रेलवे तो होना ही चाहिए, या फिर मेट्रो से देखिए कितनी दूर है। अगर आप बिग सिटीज़ में रहते हैं, अगर आप महानगरों में रहते हैं तो मेट्रो से कितनी दूर है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ताकि आप जॉब पे जाएं तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। और रेलवे भी अगर है, लोकल ट्रेन पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं, ओके। फिर तीसरी बात आती है कि इंडस्ट्री है या नहीं है वहाँ पे, यानी जहाँ पर आपका घर है वहाँ से इंडस्ट्री कितनी दूर है। अगर आपका घर इंडस्ट्री के आसपास है, 5-10 किलोमीटर के दायरे में है, तो भी जो है कि आपकी जो प्लॉट की वैल्यू है वो अच्छी रहेगी। तो ये तो बात होगी लोकेशन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, कि अगर आपने परचेज कर लिया है प्लॉट तो वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और परचेज करने से पहले, कर लिया है नहीं उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही है, कहीं वाटर लॉगिंग तो नहीं होती, नहीं ऐसा तो नहीं होता कि बरसात में वहाँ पानी खड़ा हो जाता है जिससे आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो। इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, या फिर पार्क या हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है वहाँ पर। जनरली क्या होता है कि पार्क और हॉस्पिटल्स ये तो अनऑथराइज कॉलोनी में आप भूल जाइए, ठीक है, ये बस पॉश इलाकों में ही होते हैं। हाँ, ये तीन सिस्टम आपको, ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपको वहाँ पे मिल सकती है, ये जो तीन चीज़ें हैं ऊपर की, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको मिल सकती है, लेकिन हॉस्पिटल्स और पार्क तो बहुत रेयर होगा, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कभी भी प्लॉट परचेज करें, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है मार्केट, कि
मार्केट कितनी दूर है आपके घर से। अगर आपका घर बहुत दूर है मार्केट से तो यकीन मानिए आपकी प्लॉट की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। कभी भी आप इसे अगर आपने परचेज कर लिया है और आप इसे सेल करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट तो होगी नहीं। अब आपको हर सामान लेने के लिए जो है कि ये 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो ऐसी जगह कौन रहना चाहेगा। तो इसीलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी परचेज कर रहे हैं अपना घर, वो जो है कम से कम मार्केट से 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हो, कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में तो होना ही चाहिए। मार्केट का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी मार्केट, मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर आपको रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाएं, खाने पीने की हर एक चीज़ें, वो कम से कम 1 से 5 का मतलब यहाँ पे 500 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 500 मीटर के बीच में कम से कम आपके घर के आसपास ये चीज़ें सारी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी 500 से लेकर 1000 मीटर के आसपास, तब तो ठीक है, आप सेफ हैं बिल्कुल। जब चाहे 5 मिनट के अंदर कोई भी सामान लेके आ जाएंगे और आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है प्लॉट डायमेंशन की, कि कभी भी आप प्लॉट खरीदें तो देखिए बहुत मैटर करता है कि फ्रंट कितना है उसका। देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको एक आपको जो है कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैंने भी प्लॉट परचेज़ किया तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने इन चीज़ों से। आपको जनरली 25 गज का जो प्लॉट है उसका जो फ्रंट होगा वो लगभग 9 से लेकर 13 तक, ठीक है, जनरली आपको 9, 10, 11 इतना ही मिलेगा, लेकिन 13 तक मान लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो इतना फ्रंट मिलेगा आपको, ठीक है। कितने गज के प्लॉट में? 25 से 30 गज के प्लॉट में, ठीक है, इतने का फ्रंट आपको मिल जाता है। तो आपको भी ध्यान देना है कि अगर 9 का है फ्रंट तो आपकी जो प्लॉट की कॉस्ट है वो थोड़ी कम होगी, जैसे जैसे फ्रंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है अभी, और उसी में आगे बढ़ते हुए जब आप प्लॉट परचेज करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको लिखा, यहाँ पे एल टाइप लिखा, इसका मतलब क्या अभी समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहाँ से भी एक रोड जा रहा है और यहाँ से भी एक रोड जा रहा है, ओके। तो ये जो आपके दोनों घर के दोनों तरफ से रोड जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका ये आप ये प्लॉट परचेज कर रहे हैं, एक रोड यहाँ से जा रहा है और दूसरा रोड ये वाला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों रोड जा रहे हैं तो इस तरह ये देखिए एल बना रहे हैं, रोड जो है एल बना रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसी जगह प्लॉट होता है तो एल टाइप होता है, और एल टाइप प्लॉट होता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो छज्जा निकाल के इस तरफ भी और इस तरफ भी अपने प्लॉट को कम से कम कुछ नहीं तो 10 गज तो बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एल टाइप का प्लॉट परचेज़ करने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि जब कभी आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, एक तो फ्रंट हो गया, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपकी गली कितनी है। अगर आपकी गली पतली होगी 10 फुट की 12 फुट की तो आपकी इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, लेकिन अगर आपकी गली चौड़ी है, यानी कि जो स्ट्रीट है जहाँ प्लॉट परचेज कर रहे हैं अगर वो बहुत चौड़ी है, ठीक है, तो आपको माथा कम मिलेगा, यानी कि आपको जो फ्रंट है ना कम मिलेगा चौड़ी गली पे, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास बजट जो है, देखिए मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ये सब कि जब आप प्लॉट परचेज करेंगे तो आपका जो बजट है आप उसके अनुसार सोच पाएंगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि भाई आपको 5 लाख में प्लॉट चाहिए, ठीक है, 50 लिख दिया सॉरी, 5 लाख में अगर आपको प्लॉट चाहिए तो भाई 5 लाख में प्लॉट कहाँ मिलेगा आपको? अब चौड़े रोड पे तो मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। 5 लाख हैं लेकिन आपको एक घर की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि आप किराया दे दे के थक गए हैं और अपनी छोटी सी कमाई में, छोटी सी सैलरी में आप किराया जो है देने देने में ही जो है अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं और आप एक पैसे की बचत नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं, लोन लेके इधर उधर से उधार लेकर आप 5 लाख में प्लॉट खरीद सकते हैं। अब उसके लिए क्योंकि आपको भी रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके लिए 10 फुट की गली भी चल जाएगी, 10 फुट की गली हो या फिर 15 फुट की गली हो तो वो चल जाएगी, ठीक है। इसमें भी आप जो है कि लेके आराम से अपना घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें भी, ठीक है, अगर रहने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अगर बहुत अमीर है, बहुत पैसा है तो सिंपल सी बात है कि आप चौड़े रोड पे लीजिए, लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास अभी घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 10 फुट की गली में ले लीजिए, बाद में जब आपके पास पैसे हो तो इसे बेच के 15 फुट की गली में आ जाइए, फिर और पैसे हो तो उसे बेच के जो है कि आगे की गली में आ जाइए 20 फुट 25 फुट की गली में, ठीक है, लेकिन एक छत होनी ज़रूरी है। तो कि अब आपको कॉस्ट कैसे घटानी है, तो सबसे पहले कि एक चौड़ा रोड देखिए,
उससे 10 फुट की गली देखिए, ताकि आपको यहाँ तक आने में तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और यहाँ से फिर अगर 50 मीटर या मतलब 100 फुट 150 फुट 200 फुट भी अगर अंदर हो या 400 फुट भी अंदर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आप बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। उसके बाद 10 फुट की गली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 फुट की गली में आप अपना लास्ट में परचेज कर लीजिए या बीच में परचेज कर लीजिए। देखिए यहाँ से जितना दूर आप जाएंगे इस तरफ उतना आपको कॉस्ट में कमी मिलेगी, आपकी जो कीमत है प्लॉट की वो कम रहेगी, तो आप यहाँ परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे आराम से अपना घर बनाकर आप रह सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको समझाया कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कोई भी प्लॉट परचेज करते वक्त, तो आपको निश्चित रूप से जो है कि आपके